तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या इसमें कहा जा रहा है, ए पार्टिकल है मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉन्स्टेंट पावर सप्लाइड ऑन द पार्टिकल। ठीक है ना, जो पार्टिकल है, लेट अस सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए, एंड पार्टिकल है गाड़ी है, बस है, ट्रक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, और इसको कॉन्स्टेंट पावर मिल रहा है। जब यहाँ पर समय जीरो था तो पार्टिकल इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट, मान लेते हैं समय जीरो था तो वो रेस्ट पे यहाँ रहा होगा पार्टिकल, या अगर आप नहीं भी मानते हो तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेयर एम इज द मास, सी इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, एम पार्टिकल का मास है, सी कोई कॉन्स्टेंट है। तो चलो मान लो जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से चला था और बी पॉइंट पर आ गया बच्चों, तो ए से बी तक आने में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है वो हमें निकालना है। तो देखो, ए से बी तक आने में सबसे पहले अगर तुम देखोगे पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, ठीक ना, और पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, इधर जा रहा है। तो अगर मैं देखोगे पावर, चूंकि पावर जो होता है वो एफ डॉट बी होता है, तो एफ डॉट बी इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी कॉस जीरो, एफ बी कॉस जीरो इसका मतलब ये हुआ पावर एफ बी के बराबर है। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए और वेलोसिटी बी। यहाँ से मुझे तुम देखोगे तो एम, और मैं एक्सलेशन को बड़े आराम से लिख सकता हूँ। याद करो, अगर एक्सलेशन जो है वो डी वी ओवर डी टी अगर यहाँ से लिख दोगे, और वेलोसिटी बी, और यहाँ से पावर पी, तो यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो वो मुझे मिलेगा यहाँ से पी डी टी अपान एम, और यहाँ से मिलेगा वी और डी बी। ठीक है, अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के यहाँ से इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ इधर मिलेगा पी टी अपान एम, और इधर मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू, मतलब वेलोसिटी है जो फंक्शन ऑफ टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू पी टी अपान एम अंडर रूट। ठीक है ना, टू पी टी अपान एम अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वाली चीज। तो अगर ये वेलोसिटी या फंक्शन एज ए टाइम यहाँ से आ गया, तो अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को, तो जो वेलोसिटी है वो टाइम से वन बाई टू की पावर प्रोपोर्शनल है, जो कि हमें नहीं चाहिए, बट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यही पूछ देता है। ठीक है ना, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस वेलोसिटी को खोल दो, डी एक्स ओवर डी टी कर दो, और यहाँ से 2pm अंडर रूट इसको साइड में ले लो, और यहाँ से t जो है वो अंडर रूट में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि dx इधर रहने दो और 2p अपन m अंडर रूट में यहाँ से ले लो, दैट इज यहाँ से अंडर रूट t और यहाँ से dt आ जाएगा। तो अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो इधर जो है x बचेगा, इधर बचेगा 2p अपन m अंडर रूट, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा 3 बाई 2 और t की पावर, ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3/2 और यहाँ आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखोगे, तो यहाँ से कोई ये जो यहाँ से 2p अपन m अंडर रूट, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ 2/3 से, और ये t की पावर 3/2। ठीक है ना, t की पावर 3/2, तो अगर से मैच कर रहा। ठीक है ना, तो रीअरेंज करने के लिए अब देखो x, इसको मैं 2/3 को अंदर ले जाता हूँ, 2/3 को रूट के अंदर ले जाऊँ, तो ये बनेगा 4/9, और इधर 2p के प्लेस पे, यहाँ जो p था वो कांस्टेंट c था, तो 2 के प्लेस p के प्लेस पे कांस्टेंट c ले देता हूँ, और m, और ये सब अंडर रूट, और यहाँ से t की पावर 3/2 आ रहा था। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये 2 की पावर 3 बनेगा, और ये 3 की पावर स्क्वायर बनेगा, और मैं इसको मैं 2 को यहाँ मिला लिया, और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं अपने मन से, तो c अपन m, और ये सब कुछ अंडर रूट हो रहा है, और इधर t की पावर 3/2 था। ठीक ना, तो अब इसको मैं रीअरेंज करूं यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे 2/3 की जो पावर है वो 3, और यहाँ से
थ्री सी अपन एम अंडर रूट ये बच गया और ये बच गया टी की पावर फाइव है, तो ये सब कुछ अंडर रूट हो रहा है, ठीक है ना। अंडर रूट का मतलब होता है कि बच्चों यहाँ से वन बाई टू पावर, तो ये आ जाएगा टू बाई थ्री की जो पावर है वो थ्री तो पहले से थी अंडर रूट वन बाई टू, और यहाँ से थ्री सी की पावर वन बाई टू इसको मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ, और यहाँ से t की पावर अगर 3 बाई टू है तो इसको मैं 3 बाई टू लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 बाई थ्री यहाँ है और ये यहाँ से तुम देखो तो, और यहाँ से 3c अपन m यहाँ से ले लूँ साइड में, और ये t और सबको मैं पावर चढ़ा दूँ 3 बाई टू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से तुम देखो ये अंडर रूट बच गया ये 3c, तो जब तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ जो है पहले से यहाँ से ये देखो कुछ पावर दिया होगा यहाँ, हाँ यहाँ से पहले 1 बाई थ्री दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 बाई थ्री मैं यहाँ पे लिख दूँ, 1 बाई थ्री लिख दूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पे 1 बाई टू पावर बचेगा और ये 3 बाई टू, तो दैट इज़ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वाली इक्वेशन मुझे मिलेगी जो कि सी ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।